वक्त एक बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां पर मंत्री को धमकी मामले में बड़ी खबर आ रही है। नंदगोपाल नंदी को धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार हुआ है। पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम ने कानपुर से इस शख्स को पकड़ा है। आपको बता दें कि नंदगोपाल नंदी और उनकी पत्नी को जान से मारने की धमकी मिली थी, और जो शख्स जिसे पकड़ा गया है ये हमीरपुर का रहने वाला है और इसका नाम नीरज यादव बताया जा रहा है। नीरज यादव ने कहा कि सपा सरकार आने पर हमला करेंगे आप पर। ये धमकी नंदगोपाल नंदी और उनकी पत्नी को दी गई है। नीरज को पुलिस ने पकड़ लिया है। पूछताछ होगी कि आखिर उसकी मंशा क्या थी। एबीपी न्यूज संवाददाता मोहम्मद मुइन और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद, बताएं इस शख्स के बारे में। जी बिल्कुल, ये प्रयागराज पुलिस के लिए एक राहत भरी खबर है कि मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी और उनकी मेयर पत्नी को जो धमकी देने का मामला था उसमें जो आरोपी था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। कल रात को जब मुकदमा दर्ज किया गया तो पुलिस ने उस नंबर को सर्विलांस पर लगाया, उसकी लोकेशन कानपुर में मिली, तो फौरन यहीं से जो है वो पुलिस की और क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो रवाना कर दी गई थी कानपुर, और अब से कुछ देर पहले उसे कानपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करके उसे प्रयागराज लाया जा रहा है, और जो अधिकारी है उनका ये कहना है कि प्रयागराज लाए जाने पर उससे गहनता से पूछताछ की जाएगी, रिमांड पर लिया जाएगा और ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर धमकी देने का मकसद क्या था, उसके पीछे और कौन लोग हैं, और कहीं ये कोई बड़ी साजिश तो नहीं है, क्योंकि जो मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी हैं उन पर साल 2010 में रिमोट बम से हमला हो चुका है। तो अब से कुछ देर बाद पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। जब आरोपी को यहाँ लाया जाएगा, उससे पूछताछ हो जाएगी, उसके बाद तभी सारे मामले का खुलासा हो पाएगा कि आखिर ये जो धमकी दी गई इसका मकसद क्या था और इसके पीछे कौन लोग शामिल थे, क्या कोई साजिश तो नहीं है बड़ी, और पूरा क्या मामला है, तो ये अगले कुछ घंटों के बाद साफ हो जाएगा। ठीक है, नजर मोहम्मद आप बनाए रखिएगा। तो पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर इस शख्स का मकसद क्या था और धमकी क्यों दी गई थी, क्या आखिर इसकी दुश्मनी थी। तो बड़ी जानकारी मिल रही है, धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ अब इससे होगी और उसके बाद पता चलेगा पूरी कहानी इस धमकी के पीछे की क्या है।